वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। यदि आपको अपना राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट mahaguru.com mahaguru.com पे जाएं। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है नो योर मून राशि। हमारे जितने प्रिडिक्शंस ये डेली के जाते हैं, डेली राशि बन जाता है, ये मून राशि के ऊपर आधारित होते हैं। तो इसके लिए आपको अपना मून राशि पता होना जरूरी है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, साइट पे जाएं, ये ऑप्शन चूज करें और आपको अपना मून राशि पता चल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली जो हम ये डेली राशिफल के वीडियोज बनाते हैं, आप उसमें अपना राशिफल समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बात करते हैं मेष राशि के बारे में। भाग्य आपके पक्ष में है। किसी भी नए मुकम्मल स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए एक अच्छा उपयुक्त दिन है। परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा। उद्यमियों के लिए दिन सफल रहेगा। बेहतर व्यावसायिक प्रस्तावों के मिलने की प्रबल संभावना है। वित्तीय दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। सड़क पर तेज गाड़ी चलाने से बचना है। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो 2 या 3 दिन आप इसको टाल रहे हैं। बात करते हैं मेषभ राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपके सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे। सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के लिए उत्कर्ष दे है। यदि किसी कार्य करने को आप आज मन बनाते हैं तो उसको आप पूरी ऊर्जा के साथ कर पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक होगा। भावनात्मक उत्साह और संतुष्टि आज के दिन की विशेषताएं रहेंगी। नए ग्राहकों से आपको व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। आज की गई यात्राएं आपको अनुकूल परिणाम देंगी और आपके उद्देश्यों में भी उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक रहेंगी। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। यदि कोई विवाद होने चल रहे हैं उनको निपटाने का आज एक अच्छा दिन है। आप अपने प्रतिनिधियों से 2 कदम आगे रहेंगे। यदि आपने नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उसका आज परिणाम आपको सकारात्मक मिल सकता है। पहचान और सराहना प्राप्त करने के लिए समय उपयुक्त है। मित्रों के साथ और परिवार के साथ आप पिकनिक बना सकते हैं। अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। यात्राओं से मनोवांछित और सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। छोटी यात्राओं से आपको वित्तीय लाभ की भी संभावना है। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आज आपको अपने किए गए कार्य के लिए पुरस्कार, सुखद परिणाम और प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। आय में और मुनाफे में वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य आपका उत्कर्ष रहेगा। आज आप नए ऊर्जा और उत्साह के प्रभाव का अनुभव करेंगे। आप खुशी और संतोष का भी अनुभव करेंगे। लोग आपके प्रति आकर्षित रहेंगे। आप अपने आसपास के लोगों में एक प्रबल प्रभाव बनाने में भी सफल रहेंगे। लेकिन यात्रा के हिसाब से आज का दिन अनुकूल नहीं है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। दिन चुनौती भरा रह सकता है। आपको सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आसपास के लोग आपके रिश्तों में मतभेद पैदा करने का भी कोशिश कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है जो आपकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकते हैं। आवश्यक होने पर यात्रा करनी है, अन्यथा टाल सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। पेशे में आपको सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में लाभदायक अवसर उभर कर आएंगे। नौकरीरत व्यक्ति उच्च अधिकारियों से पुरस्कृत होंगे। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। वाणी को लेकर आपको सावधान रहना है। यात्रा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। यात्रा के उद्देश्य हालांकि फलीभूत रहेंगे यदि आप सहायता कर रहे हैं तो। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आज आप दफ्तर की चुगलखोरी और राजनीति का शिकार बन सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने की भी संभावना है। किसी पुराने दोस्त के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। गंभीर बहसबाजी से आपको बचना है। कार्य जो अगर आप स्वयं के व्यापार में हैं तो आज आपको कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नई साझेदारी शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। काम संबंधी व्यापक यात्राएं संभव है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज आपके फैसले सार्थक और विश्वसनीय रहेंगे, इसलिए वित्तीय मामलों में आज कोई निर्णय लेने का एक अच्छा समय है। आप कार्यस्थल पर अपनी योग्यता को साबित करने में सक्षम रहेंगे। सहकर्मी आपके सहायक रहेंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सभी प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो
पारिवारिक हो या व्यावसायिक हो, एक आशाजनक दिन है। छोटी यात्राओं का संकेत मिलता है, इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। आपकी किस्मत आपको उन ऊंचाइयों पर ले जा सकती है जहाँ पे आप ड्रीम में सोचते हैं। व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप विशेष रूप से आज प्रेरित हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामाजिक मेल मिलाप बढ़ाने का दिन है। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। कार्यालय में सहकर्मी आपका विशेष रूप से सहयोग और समर्थन करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपकी योग्यता से प्रभावित रहेंगे। व्यवसायी और व्यापारी समुदाय अपने कार्य के विस्तार करने में भी सक्षम रहेंगे। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। किस्मत हालांकि आपकी आज अच्छी है, परंतु एक सुझाव है कि आपको अपना स्वभाव विनम्र रखना है। कठिनाइयों को आप जो भी अगर मार्ग में कठिनाइयाँ हैं तो उनको सूझबूझ के साथ सॉल्व करना है। मानसिक तनाव और सिरदर्द आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। दोस्तों की आलोचना करने में आपको अपना समय व्यतीत नहीं करना है। आप अपने आप को कई जगह से घिरा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। तनाव में वृद्धि होगी। दोस्त और आपके बीच में तकरार हो सकती है। खर्चों में वृद्धि आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सामान की देखभाल जरूर करें। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। दिन आपका उत्कर्ष है। सभी प्रकार के हालात चाहे व्यक्तिगत हो चाहे व्यवसायिक हो, अच्छे रहेंगे। यदि आप जीवन शैली को बदलने का कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप सफल रहेंगे। आप आशावादी भी रहेंगे। अपना जो समय है अपने फ्रेंड्स के साथ बिताने का एक अच्छा अनुकूल समय है। आप वित्तीय मामलों में सोचबूझ के साथ अपने जो निर्णय हैं वो आप ले सकते हैं। इस समय कोई निवेश जो आप करेंगे आज के दिन, वो आपको भविष्य में भी लाभप्रद साबित होगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। दिन आपके लिए अनुकूल है। फिजा में रोमांस भी है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपको एक नए फ्रेंड्स या एक प्यार के मिलने की भी संभावना है। आपको अपने किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि दिन का शुरू का जो समय है वो थोड़ा सा आपका एक तनावपूर्ण रह सकता है, बट जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपके ऊर्जा के लेवल में सुधार होता जाएगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। फंड निवेश और वित्तीय मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यर्थ की वस्तुओं पर अनावश्यक ही खर्चों के संकेत हैं। आपका दिन शुभकारी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव।